गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर इंग्लिश क्लास। हमने हमारे लास्ट क्लास में क्या किया था, हमने नया चैप्टर शुरू किया था, चैप्टर नंबर 5, M, S and R। उसमें हमने क्या सीखा था कि M और S सिंगुलर के लिए यूज होता है, M और S सिंगुलर के लिए यूज होता है और R प्लूरल के लिए यूज होता है। जब हम एक इंसान या एक वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो हम वहां पर क्या यूज करेंगे, एम या तो फिर इस। जब हम एक से ज्यादा इंसान या एक से ज्यादा वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं तो वहां पर हम आर यूज करेंगे। इसके हमने टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज भी देख ली है, आज हम फेयर बुक एक्सरसाइज करेंगे। ओके, सो नाउ ऑल ऑफ यू ओपन योर फेयर नोटबुक्स। Students, now all of you open your English fan notebook. In that, take a fresh page. Put today's date. In the very next line, write day. In the next line, write M, comma, is, comma, R. कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हम, M, is and R. Okay? In the next line, give question, complete the following sentences with M, comma, is or are. ओके, नीचे दिए गए सेंटेंसेस आपको कैसे कंप्लीट करने हैं, एम इज या फिर आर लगाकर। ओके, पहले हम क्वेश्चंस लिख लेते हैं। नंबर 1, माय फ्रेंड्स डैश द बेस्ट, my friends dash the best, leave one line, write number 2, she dash the queen of Egypt, again leave one line, write number 3, it dash an example of dedication. लिख लिया सबने, मेरा पेज यहां पर खत्म हो जाता है इसलिए मैं नया पेज लेकर लिख रही हूं। अगर आपके पास नीचे लाइंस है तो यू कैन कंटिन्यू। ओके, गिव नंबर 4, माय पेरेंट्स डैश माय स्ट्रेंथ, leave one line, write number 5, I dash a story teller, again leave one line, write number 6, it dash an
expensive bag. Again leave one line, write number 7. There dash no easy options. Number 8, I dash at home. Number 9, it dash an online offer. Number 10, I dash happy for the first time in a year. ठीक है. नंबर 11, I dash very happy. Number 12, the dogs dash brown. Number 13, the girls dash in the mall. Number 14, my father dash a policeman. Number 15, Maria dash my little sister. Number 16, he dash at school. Number 17, we dash students. Number 18, Tom and Lek dash at home. Number 19, I dash an honest boy. And last, number 20, my toy cars dash in the box. ओके, लिख लिया सबने? नाउ कम टू द फर्स्ट वन. माई फ्रेंड्स डैश द बेस्ट. हमने क्या सीखा है कि एम और इज हम कब यूज करेंगे? जब
सिंगुलर के बारे में बात हो रही होगी, जब एक पर्सन या एक वस्तु के बारे में बात हो रही होगी तब हम एम एंड इज यूज करेंगे, ओके okay? और जब एक से ज्यादा पर्सन या एक से ज्यादा थिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो हम आर यूज करेंगे, ओके okay? तो यहां पर क्या है, माई फ्रेंड्स डैश द बेस्ट, एक फ्रेंड है या एक से ज्यादा है, एक से ज्यादा है तो हम यहां पर क्या यूज करेंगे, आर। माई फ्रेंड्स आर द बेस्ट, बन गया प्रॉपर सेंटेंस। नेक्स्ट वन, शी द क्वीन ऑफ इजिप्ट, शी, हम एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं क्या, हम एक ही इंसान के बारे में बात कर रहे हैं तो क्या हम यहां पर एम यूज करेंगे या इज यूज करेंगे, शी एम द क्वीन ऑफ इजिप्ट, ये अच्छा नहीं है, ये प्रॉपर सेंटेंस नहीं है ग्रामेटिकली, हम यहां पर क्या यूज करेंगे, शी इज द क्वीन ऑफ इजिप्ट, शी इज द क्वीन ऑफ इजिप्ट। इट डैश एन एग्जाम्पल ऑफ डेडिकेशन, इट डैश एन एग्जाम्पल ऑफ डेडिकेशन, यहां एक ही वस्तु एक ही चीज के बारे में हम बात कर रहे हैं क्या, एग्जाम्पल, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ डेडिकेशन, ओके। कम टू द फोर्थ वन, माई पेरेंट्स डैश माई स्ट्रेंथ, माई पेरेंट्स डैश माई स्ट्रेंथ, पेरेंट्स मतलब दोनों, मम्मी और पापा दोनों के बारे में बात हो रही है तो यहां पर क्या आएगा, आर, क्या आएगा, आर, माई पेरेंट्स आर माई स्ट्रेंथ, ठीक है। नंबर फाइव, आई डैश अ स्टोरी टेलर, आई मतलब मेरे खुद के बारे में बात हो रही है, मेरे अकेले के बारे में बात हो रही है, एक ही हूं मैं तो यहां पर क्या आएगा, आई एम अ स्टोरी टेलर, ओके। सिक्स्थ वन, इट डैश एन एक्सपेंसिव बैग, इट मतलब कि वो, एक ही बैग के बारे में बात कर रहे हैं हम, एन एक्सपेंसिव बैग मतलब एक ही बैग है, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, इट इज एन एक्सपेंसिव बैग, ओके। नंबर सेवन, देयर डैश नो इजी ऑप्शंस, देयर देयर डैश नो इजी ऑप्शंस, यहां पर ऑप्शंस हैं मतलब कि वो क्या है, प्लूरल फॉर्म है, ठीक है, तो यहां पर क्या आएगा, देयर आर नो इजी ऑप्शंस, ओके। नाउ नंबर एट, आई डैश एट होम, आई मतलब मैं, डैश एट होम, आई मेरे अकेले के बारे में है तो क्या आएगा, आई एम एट होम, मैं घर पर हूं, ओके। नंबर नाइन, इट डैश एन ऑनलाइन ऑफर, एन ऑनलाइन ऑफर मतलब एक ही है, ठीक है, तो यहां पर क्या यूज करना है, इट इज एन ऑनलाइन ऑफर, ओके। नाउ नंबर टेन, आई डैश हैप्पी फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ ईयर, आई मतलब मैं, मेरे अकेले के बारे में बात हो रही है तो अगेन यहां पर क्या आएगा, आई एम हैप्पी फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ ईयर, ओके। आई डैश वेरी हैप्पी, आई डैश वेरी हैप्पी, आई एम वेरी हैप्पी।
स्टूडेंट्स ज्यादातर मोस्टली आई के साथ हमेशा एम ही आएगा. ओके द डॉग्स डैश ब्राउन. द डॉग्स डैश ब्राउन प्लूरल फॉर्म है तो यहां पर तो आर आएगा. ओके नंबर 13 द गर्ल्स डैश इन द मॉल. द गर्ल्स डैश इन द मॉल गर्ल्स है तो क्या आएगा. द गर्ल्स आर इन द मॉल. ओके माई फादर डैश अ पुलिसमैन. माई फादर मेरे पापा डैश अ पुलिसमैन इज अ पुलिसमैन. मेरे पापा के बारे में ही बात हो रही है और किसी के नहीं. सिंगल पर्सन. ओके टर्न योर पेज. नंबर 15 मारिया डैश माई लिटिल सिस्टर. मारिया एक ही इंसान के बारे में बात हो रही है तो क्या आएगा. मारिया इज माई लिटिल सिस्टर. ओके ही डैश एट स्कूल. ही डैश एट स्कूल. ही इज एट स्कूल. ओके 17 वी डैश स्टूडेंट्स. वी मतलब हम सब क्या है. स्टूडेंट्स है तो वी आर स्टूडेंट्स. ओके 18 टॉम एंड लेक डैश एट होम. दो है दो इंसान है तो क्या आएगा आर. ओके नंबर 19 I dash an honest boy. I मतलब मैं. I am an honest boy. And students last one. My toy cars dash in the box. Cars एक से ज्यादा toy car है तो क्या आएगा. My toy cars are in the box. समझ में आया. हमने आज 20 सेंटेंसेस किए एम इज और आर के. ये आपको फेयर बुक में विथ नाइस हैंडराइटिंग लिखना है. ओके स्टूडेंट्स एम आई क्लियर टू ऑल. We will be meeting in our next class. Till then, be safe. Bye-bye.